السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده و على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حق وأرزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن والصلوات الله وسلامه علي خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فساقه وقاده إلى الجنة ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فسخ في قفاه إلى النار برحمتك يا عزيز يا غفار كيف <applause> حال ہے آپ سب کے أمید کرتی ہوں ाह तब सब को अपनी हिफोमान में रखे आपके वक्त पे सेहत पे और चारोबाल पे बहुत सी बरकत ताफ़रमाए दिन पर बेहतरीन इस तकाम तफ़रमाये अल्ला कुरान का समझना इस पर अमल करना और से दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे आमीन अल्लाह आमीन हमारा आज का लेसन नंबर नाइन्टी सिक्स है सुरत अराफ़ की आयात वन सिक्सटी नाइन से लेकर वन एटी सेवन तक हैं आइए पहले अल्फाज की वजाहत कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी अल्फाज की वजाहत फ़खलफ़ा तो पीछे आए इसका रूटवर्ड है खा लाम फ़ा और इसके ये भी मानी होते हैं तो जानशीन हुए फ़ हरफ तफ़ है खलाफ़ा फैलेबाजी वाहत पुज़कर ग़ायब है खलफा यख्लफु से बस्तर है खिलाफा तुन मानी है खलीफा होना जानशीन होना बादी हिम उनके बाद मिन हरफ जर है बादी मजरूर और मुजाफ है हिम मुजाफली है और जबा मुजर गायब की जबीर है खलफुन जो है वो नााहल वारिस को बुरे जानशिन को कहा जाता है खलफन लाम के जजम के साथ बद के लिए आता है यानी बुराई के लिए जबकि खलफुन लाम के ज़बर के साथ नेक कामों के लिए आता है वारिसलताबी वो वारिस किताब के वारिसु फ़िलेबाज़ी जबा बज़क़र गैब है वारिसा यारिसु बस्तर है विरासतुन, यानी वारिस होना, या वो वारिस अलकताबा किताब के ये इस मारफा है अल से शुरुआर है या खजू ना वो ले लेते हैं ये फैले मज़ारे जबा बजकर ग़ायब है अखज़ा या खजू से बस्तर है अहजुन जिसके मानी होते हैं पकड़ना या लेना आरोदा माल सामान यानि ऐसा सामान जिसे सबात ना हो यानि हकीर सामान वक्ती समान हाज अल अदना इस हकीर दुनिया का हाजा इसम इशारा वाहिद बजकर करीब है और अल अदना हकीर दुनिया को कहा जाता है दाल नून वाव इसका रूटवर्ड है दनीयुन मस्तर से अफलुल तफ्तील का सीगा है यहाँ यह लफ्ज़ दुनिया के मानी में आया है वा और यक़ूलूना वो कहते हैं व हरफ अतफ़ है, है यक़ूलूना फेले मज़ार चबा वो जकर ग़ायब है क़ला यक़ूलू से बस्तर है कौलन जिसके मानी है कहना सुक फरुलना क्रीब हमको को बख्श दिया जाएगा गीन फ़ा रा इसका रूटवर्ड है साब को कहते हैं और ये बुजारे के मानी को मुस्तबिल के मानी देता है यानि उसके लिए मखसूस करता है युफफरू फेले बुजारे मजहूल वाद में जक्कर ग़ायब है ये मजहूल है क्योंकि शुरू में पेश आ रही है गफारा यकफिरु से बस्तर है गफ़रान जिसके मानी है माफ़ करना बख्शना या बख्श दिया जाएगा ला हरफ जर है और ना जो है वो मजरूर है और जम्म मुत्कलम की जमीर है वा और इन अगर ये शर्तियाँ है या हिम आए उनके पास या ती असल में या ती था यानी इसके साथ या साकिन भी थी इनकी वजह से या साकिन जो है वो हजफ़ होगी है और अब ताकि इंच जेर होगी यानी या ती होगा या साकिन नहीं होगी ये फैले मजार वाहिद मुजक्कर गायब है अता या ती से बस्तर है जिसके मानी हैं आना और हिम ज़मीर है आरादन मालोमता सामान मिसलू हो उसकी मानिद मिसलू जो है वो बुज़ाफ़ है और मानिद को कहा जाता है यानी उस जैसा और हु जो है वो बज़ाफ लई है और वाद व ज़क्र क़ाइब की ज़मीर है या हज़ू हु वो ले लेंगे उसको हमजा खा जाल इसका रूटवड़ है या खजू फैले बोजारे मजजूम चबा बजकर है अखज़ा या खुजू से बस्तर है अखजुन जिसके मानी है पकड़ना या लेना और हु ज़मीर है अलम यु खज क्या नहीं लिया गया यहाँ शुरू में जो आ है वो हमजा इस्तीफ़ाम है सवाल करने के लिए आया है और लम्ब जो है वो मज़ारे के शुरू में आ जाए तो उसे ज़ूम करता है यानी ज़ज़म देता है और माजी मनफी के मानी देता है लम यू खस फेले मुजारनफी मझूल वाहिद मज़कर गायब है अल उनसे मिसाकु पुख्ता अहद पक्का अहद। रूटवर्ड है वाओ काफ़ ये मुज़ाफ़ है अल किताबी किताब यह मुजाफली है अन मानी है के ये मस्तरिया है ला यक़ुलू वो नहीं कहेंगे ये फेले बोजारे मनफी जबा बज़क़र गायब है अल्ला ही अल्लाह पर अला हरफ जर है ही जो है वो मजरूर है अल्ला मानी है सिवाए ये कलम इस्तसना है अक् के सच के ये दोनों इसके मानी हैं वाह दरअसू उन्होंने पढ़ा दाल रौसिन रोटवड़ है दरस बीसी से होता है दरअसू फेलेबाजी चबा बुज़कर गायब है दरा सा से मस्तर है दरसुन जिसके मानी होते हैं पढ़ना माँ मानी है जो ये इसम मसूल है फी ही इसमें फ़ी हरफ जर है और ही मजरूर और ज़मीर है व दारखिर ओतु और घर आखरत का अदारु मसूफ़ है और ये जमा है इसकी जमा होती है ये वाहिद है अदार आखिरतु ये सिफ्त है आखरत को कहा जाता है खैरुन मानी है बेहतर है खैर वो चीज़ होती है जो सबको पसंद होती है लिल्लादीना उन लोगों के लिए ली हरफ जर है अल्लादीना इसम सब मौसू जबा बजकर है जो तकवा अख्तियार करते हैं ये फ़ैले बुजार जबा जक़र गायब है इत यद से बस्तर है उन मानी है तकवा अख्तियार करना आफा क्या भला नहीं आ हमजा इस्तफ़ामिया है सवाल करने के लिए है आता है अरफ़ा हरफ अतफ़ है ला ताकिलून तुम अक़ल से काम नहीं लेते ये फेले बज़ार मनफी चबा बज़क्कर हाजिर है अक्ला याकिलू से बसर है अक्ल जिसके मानी है अक़ल से काम लेना वाह और अल्ला वो लोग यू मस्सी जो पकड़ कर रखते हैं मीम सीन काफ इसका रूटवर्ड है और यू मस्सी कूना फेले बोजार चबा बजकर गायब है मस्क़ा यूँ मसिकु से मस्तर है तमसिकुन जिसके मानी होते हैं मजबूती से पकड़ना थामना बिल किताबी किताब को व और अकाम कायम करते हैं नमाज़ को स्वाद लाम वाह इसका रूटवर्ड है अकामू जो है वो फैलेबाजी जबा बजकर गायब है अकामा यकीमू से बस्तर है इकाम एक कामत भी सी सी होता है जिसके मानी है कायम करना नमाज को इन्ना बेशक हम ये इन्ना और ना से मिलकर बना है इन्ना हरफ मुशबा बिलफेल है और ना जमीर है जबा बुतकम की लान्यू हम जाया नहीं करते दौद या आइन इसका रूटवर्ड है ये फेले बजारे मनफी चबा बुतकलम है

जब ये ज़र्फ़े ज़मान है नक नम ने उठाया नू तफ रुटवड़ है ये फ़ेलेबाज़ी जबा बुतम है नतका तक यों से बसर है नतकुन जिसके मानी है उठाना खड़ा करना अलजबला पहाड़ को ये इस मार्फा है फोका हम उनके ऊपर फोका मुजाफ है और जो है वो मुजाफ इलई है और जमीर है का अन्ना हु गोया के वो का अन्ना हरफे मुशबा बिलफेल है ये इसम नकिरा है क्योंकि इसके आखिरी हर्फ पर तनवीन है वनु उन्होंने समझ लिया उन्होंने गुमान किया नून रुटवड़ है ये फेलेबाजी जबा जकर गायब है या दुन से मस्तर है मानी है गुमान करना दन्ना के असल मानी एतक़ाद के हैं कुरान करीम में जहाँ दन की तारीफ़ की गई हो तो उससे मुराद यकीन है और जहाँ मजम्मत की गई हो तो फिर जन से मुराद शक के होते हैं अन्ना हूँ कि बेशक वो वाकि उम बिम इन पर गिरने वाला है काफ़ आइन वर्ड है वाकी उन जो है वो वक़ उन वक्ु उन मस्तर से इसम फाइल वाहिद मज़क्र है बी हरफ ज़र है और हिम जो है वो मज़रूर और जमीर है खुदू पकड़ो इसमें हुक्म दिया जा रहा है लिहाजा ये फैले अमर जबा मुजकर हाजिर है माँ मनी है जो ये इस मौसू है आतना कुम हमने दिया तुमको आ तई फिलेबाजी चबा बुतकलम है आता युक्ति से बस्तर है ईता उन जिसके मानी है देना और आखिर में कुम चबा बज़क़र हाजिर की जमीर है बिकुआव इन मजबूती के साथ शुरू में बी हरफ जर है उसके बाद मज़रूर है जो कि कुत और मजबूती को कहा जाता है वा और ये हरफ अत्तफ़ है याद करो ये फेले अमर जबा व जकर हाजिर है जक्रा यज क्रु से बस्तर है जिक्र जिसके मानी है याद रखना मा मानी है जो इस मसूल है पहले आ चुका है फी ही इसमें लाल्ला ला कुम ताकि तुम लाल्ला ला जो है ये हरफे मुशबा बिल फैल है और कुम जमीर है तत्ता मतकी बन जाओ ये फेले बुजार जबा बज़क हाजिर है व और इज जब अखज़ा मनी है निकाला या लिया या पकड़ना ये फलेबाज़ी वाहिद बजकर गायब है रबू का तेरे रब ने रब्बू मुजाफ़ है और का मुजाफिलई है और जमीर है मम बनी आदमा हज़रत आदम के बेटों से यानी औलाद आदम से यहाँ मिन हरफ जर है और बनी जो है वो मजरूर और मुजाफ है ये असल में बनी ना था इजाफत की वजह से नून जो है वो गिर गया है और इसका वाहिद होता है इबन आदमाँ ये मुजाफिलई है मिन जहूरी हिम उनकी पीठों से जो हा रॉ इसका रूटवर्ड है शुरू में मिन हरफ जर है जहूरी मजरूर और मुज़ाफ़ है और आखिर में जो हिम है वो मुजाफली और ज़मीर है जर्रियत हम उनकी औलादों को जाल रॉ रॉ रूटवर्ड है जुर्रियत ये मुजाफ है और छोटी औलाद को कहा जाता है इसी तरह तमाम औलाद के लिए भी लफ्स जो है वो आता है, हैम मुजाफली है और जमीर है वा और अशहद हम उनको गवाह बनाना शीन हादा रूट है अशहदा फिलेबाजी वाहिद वाहिदर गायब है अशहदा युशहिदु से मस्तर है इशहाद मानी है गवाह बनाना और हम जमीर है अला अनफुसिहिम उनकी जानों पर या उनके नफसों पर यहाँ अला ये हरफ जर है और अनफुसी मजरूर और मुजाफ है और इसका वाहिद होता है नफसुन और आखिर में हिम जो है वो जमीर है अलस्तु क्या नहीं हूँ मैं यहाँ शुरू में अ हमज़ा इस्तीफ़ामिया है लस्तु जो है वो फिलेबाजी वाहिद मतकलम है लिस फिले नाकिस है बे रबी कुम तो बहारा रब यहाँ बी हरफ जार है और रबी मजरूर और मुजाफ है और आखिर में कुम मुजाफली और ज़मीर है आलू उन्होंने कहा बला क्यों नहीं बला सवाल के जवाब में और किसी काम की नफ़ी के लिए आता है शाहिदना हमने गवाही दी ये फैलेबाजी जब बो तकलम है शाहिद यहादु से मस्तर है शहादतुन जिसके मनी होते हैं गवाही देना अन मनी है के ये मस्तरिया है तकुलु तुम कहोगे ये फेल बुजारे जबा बुजर हाजिर है योम क़ियामतीमत क्यामत के दिन यहाँ यौम जो है वो मुजाफ है और मुजाफ मुजाफली है इन्ना बेशक हम पहले आ चुका है कुन्ना थे हम ये फेले माजी जबा मुतकलम है हाज़ा इससे यहाँ अन, इस अन हरफ जर है और हाजा जो है वो मजरूर है और इसम इशारा है वाहिद मुज़क़र करीब का गाफिलीन गाफिल वाइन फा लाम रूटवर्ड है ये गफलत उन मस्तर से इसम फाइल जमा मुजक्र है और इसका वाहिद होता है गाफिल। यानी गाफिल अव मानी है या ये हरफ तफ़ है तकोलु तुम कहोग इन्नामा बेशक अशर का शर्क किया था ये फेलेबाजी वाहिद मुज़र गायब है का युषरीकू से मस्तर है इशराकन जिसके मानी है शिरक करना आबाउना हबारबाउद अबाऊ जो है ये बजाफ है और इसका वाहिद होता है अबुन और आखिर में ना जमीर और मुजाफली है मिन कबलू इससे पहले मिन हरफ जर है कबल मजरूर है कुन्ना थे हम दियान औलादी हिम इनके बाद हरफ जर है बादी मज़रूर है और है। और आखिर में हिम मुजाफ लई और जमीर है आफा तुहली कना क्या फिर तू हलाक करेगा हमें यहाँ आ हमज़ा इसमिया है उसके बाद फा हरफ अतफ है और तुह लिकु ये फेल मज़ार वाहिद मुजकर हाजिर है अहलाका युहल से मतर है अहलाकुन मानी है हला करना और आखिर में ना ज़मीर है बीमा बवजह इसके जो फाला काम किया ये फेलेबाजी वाहिद जकर गायब है फाला यह फालू से मतर है फेलोन, मानी है काम करना अलमुबती बातिल प्रस्तों ने लतार लोगों ने गुमराह होने लाम रूट है इब बाबॉल मस्तर से ये इसम फाइल जमा मुजक्र है वा, और कदाली का इसी तरह का हरफ तशबी है और जाली का इसम इशारा है वाहिद मुजक्र बीद का नुफस्िलु हम तफसील से बयान करते हैं हम वाज़े तौर पर पेश करते हैं फ रुटवड़ है ये फेले मुजारे जबा मुतकल है से मस्तर है तफस मानी है तफसील से बयान करनायात व और लाल हम शायद के वो लाल जो है ये हरफे मुश्बा बिलफेल है और हम जमीर है वो रुजू करें या वो पलट आए

तलायतलु से बस्तर है तिलावत या तिलावत मानी है पढ़ना अलिम उन पर नब खबर रूटवर्ड है नून बा हमजा अल्ला दी उस शख्स की इसम मौसूल वाहद मुजकर है आते ना हूँ दी हमने उसको आतई ना फिलेबाजी तकलम है हु जमीर है आतई ना अपनी आयात आयाती मुजाफ है ना नई है और जमा मुतकलम की जमीर है फन सल बस निकल भागा वो सीन लाम ख़ा, रूटवर्ड है शुरू में फरफ़ है इन फलेबाजी वाहिद बजकर गायब है इन से मज़दर है इन जिसके मानी है खाल खेचना मिन हा इनसे फू बस पीछे लग गया उसके फ़र्फ अ तफ़ है अतबा आ फेलेबाज़ी वाहिद बज़क़र गायब है अतबा आ युतबी से बस्तर है इतबाउन पीछे लगना इतबा करना ज़मीर है अशैतनु शैतान फ़ाना तो हो गया फ़र्फ अतफ़ है काना फ़िलेबाज़ी वाहिद बज़क़र गायब है इसका मस्तर है कौनन जिसके मानी है होना मिनल्गाविन गुमराहों में से सेन वाह रूटवर्ड है अलावीना मजरूर है गवायतन मस्तर से ये इसम फाह जबा वज़कर है व लव और अगर यहाँ लव शर्तिया है शि हम चाहते शीन या हमजा रूटवर्ड है ये फैलेबाजी जबा व तक्म है शाआ या शाऊ से बस्तर है मशिया मानी मनी है चाहना ल रफा आना अलबत् हम उठाते उसको रूटवर्ड है शुरू में ला, ला में है लामा फेल माजी जमा मुतकलम है रफा यरफा उसे मस्तर है रफ है बुलंद करना लो की वजह से तर्जबा होगा हम बुलंद करते आखिर में हु जमीर है बिहा उनके या साथ उनके व और लाकिन्ना हु। लेकिन वो लाकिन्ना जो है ये हरफे मुशबा बिलफेल है और हु ज़मीर है अखलदा झुक गया माह हो गया खा लामदाल रुटवट है ये फेलेबाजी वाहिद बजाकर गायब है अखलदा युखू से बस्तर है अखलाद मानी है माहल होना झुक जाना इलादी ज़मीन की तरफ व तबा और वो पीछे लग गया और उसने पैरवी की इतबा फेले माजी वाद मुज़क्र गायब है इतबा या तब्यू से बस्तर है इतिबाउन मानी है पैरवी करना पीछे लगना हवा अपनी ख्वाहिशात की हा वाह या रुटवड़ है हवा मुजाफ है मुराद वो चीज़ है जिसकी नफ्स नाजायज तौर पर ख्वाहिश करता है इसकी जमा है अहवा हु जो है वो ज़मीर है फ माथलु तो मिसाल उसकी यहाँ फ हरफ अतफ़ है मथलु मुजाफ है और हु जो है वो मुजाफली है और ज़मीर है का क मकलबी कुत्ते की मिसाल की तरह का हरफ जर है हरफ तशबी है मसली मजरूर और मुजाफ है अलकल मुजाफली है इन मनी है अगर ये शर्तियाँ है तहमिल तू हमला करे हा मीम लाम इसका रूटवर्ड है ये फेल मज़ार वाहिद मुजर हाजिर है हमला यह से मस्तर है हमलुन मानी है बोझ उठाना अलैही इस पर यलहस जुबान बाहर निकालना लाम हा सा रूटवर्ड है ये फेल मज़ार मरजूम वाहिद मुजकर गायब है लहसा यलहसू से मस्तर है लहसुन जिसके मानी है जुबान बाहर निकाल कर हाँपना अव या तत्रुक हो तू छोड़ दे उसको तत्रुक जो है ये फेल मुजारे वाहिद मुजकर हाजिर है तरा का से मस्तर है तरकुन मानी है छोड़ना हु ज़मीर है यल हस जुबान बाहर निकालना दाली का ये दाली का ऐसा इशारा वाद बज़क्र बीत है बसलौमी मिसाल है उस कौम की यहाँ मसालफ है अलौमी मुजाफिलई है अदीना उन लोगों की जिन्होंने कद्दबू जि झुटलाया ये फिले बाजी जबा बजर गायब है कद्दी बु से बस्तर है तदवीबुन मानी है झुटलाना भी आयाती ना हबारी आयात को फ़ख सुस बस बयान करोफ़ सौद सौद रुटवड़ है शुरू में फा हरफ या तफ़ है उख जो है ये असल में ओक उक्सुस था ओक जो है सौद के जेर है ना आखिर में ये असल में क्या था ओख यानी सौद पर जेर नहीं बल्कि जजम थी फेले अमर वाहिद मज़कर हाजिर है ये इसमें हुक्म दिया जा रहा है क़स् या क़स्सु से बसर है कसन जिसके मानी है बयान करना अल अल्सा हकायात किस्सा ये इसम मसर है लाल्ला हम शायद के वो ये पहले आ चुका है या तफक् रोन वो गौरव फ़िक्र करें फ़ का फ़्र उठवर्ड है ये फैले मुजारे जबा बजर ग़ायब है तफक्करा या तफक्करू से बस्तर है तफक्न जिसके मानी है सोचना गौर फिकर करना सा बड़ी ही बुरी है ये ज़म माजी वाहिद गायब है सा आ यसू से मस्तर है उन जिसके मानी है बुरा करना मसला और जब इसको हम अलकाउम से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा मसाला नौमी मिसाल है उस कौम की अलवीना उन लोगों की जिन्होंने ये इस मौसू जमा मुज़क्कर है कदबू झुटलाया फेले माजी जमां मुज़क्र ग़ायब है पहले आ चुका है बी आयाती ना हमारी आयात को वाह और अनफुसा हम अपने नफसों पर अनफुसा मुजाफ़ है इसका वाद है नफ़सुन होम ज़मीर है कानू थे वो ये फेले माजी जमा मुज़क्र ग़ायब है यदलीमून जुल्म करते ये फेले मज़ारे जबा ज़कर गायब है दौलमा यदली मुँह से मस्तर है जुलमन मनी है जुल्म करना मन मनी है जिसे ये इसम मौसू शर्तिया है यह दिल्लाहु अल्लाह हदायत दे यहदी जो है वो फेले मुजारे वाहिद बुजकर गायब है हादा यहदी से बस्तर है हिदायतुन मनी है हदायत देना अल्लाह मनी है अल्लाह ये अल्लाह का ज़ाती नाम है फाहुआ बस वही यहाँ फ़ाह हरफ़ हुआ जो है ये वाहिद वज़क़र गायब की मुनफसला ज़मीर है जो अलग से आती है अलमुहत हदायत पाने वाला है अबतदा उन मस्तर से ये इसम फ़ाइल वाहिद मज़क्र है इसकी जमा है व मन और जिसको यहाँ मन शर्तिया है इसम मसूल है युद्लिल भटका दिल मज़ार वाद मुज़क्र ग़ायब है और ये मज़ूम भी है। अदल्ला युदिल्लु से बसर है इदला जिसके मानी है गुमराह करना फलाई का बस यही लोग उलाई का इसम इशारा जमा बीद है अल जो खसारा पाने वाले हैं खसरान मसर से ये इसम फ़ाइल जमा मुजक्र है इसका वाहिद है अलसीरु व लद अलबत्त तहक़ीक ला, ला में तकीद है क़द कलम तहकीक है दौरा ना हमने पैदा किए हैं दाल हमजा इसका रूटवर्ड है ये फैलेबाजी जवा मुतकलम है दौरा आ यदरा से बस्तर है दर उन मानी है पैदा करना ली जहन्नमा जहन्नुम के लिए यहाँ ली लमे अकबत है जहन्नम जहन्नुम को कहते हैं मुराद है जहनुम के लिए पैदा नहीं किए जाएंगे बल्कि अपने आमाल की वजह से जहन्नुम में जाएंगे कफीर बहुत से मिनल जिन्नी जिनों में से ये मजरूर है वाल इंसी और इंसानों में से लहुम उनके लिए क़लूबन दिल हैं ये इसका वाहिद है क़लबन ला यफ़ का नहीं वो समझते फ़ हा इसका रूटवर्ड है फिल मजार मनफी जवाब ज़कर गायब है फ़कीहा या से बस्तर है फिकन समझना बिहा साथ उनके वा और लहुम उनके लिए आयुन आंखें हैं आयन या नून रुटवड़ है इसका वाहिद है आन ला रोना वो नहीं देखते बा बॉ रुटवड़ है ये फैल मज़ारे मनफ़ी चबा ज़कर गायब है अब सौरा युब युबरु से बस्तर है अबसारुन मानी है देखना बीहा सान के वाह और लहुम उनके लिए आदान कान है हमजा दा नून रुटवड़ है इसका वाहिद है उदोन ला यस्माऊना वो नहीं सुनते सीन मीम आइन रूटवर्ड है ये फैले मज़ारे मनफ़ी जमा ज़क्र ग़ायब है समिया यस्मा से मस्तर है सम सुनना उलाई का यही लोग कलानामी मवेशियों की तरह हैं नून आन मीम रूटवर्ड है यहाँ अल्नामी जो है वो मजरूर है इसका वाहिद है नामुन बल बल्कि यह हरफे द्राब है हम वो अदलु ज्यादा गुमराह हैं दाद लाम लाम इसका रूटवर्ड है मस्तर से ये अफलुलतफ्दी का सी है उलाई का यही लोग हैं हम वो अलगाफिलून जो गाफिल हैं ये पहले आ चुका है गैन फ़ा लाम इसका रूटवर्ड है व और लाही अल्ला के लिए हैं अलस्माउ नाम सीन मीम वाओ इसका रूटवर्ड है और वाहिद है इसमन अलहसना अच्छे अच्छे हा सीन नून रूटवर्ड है हसन मस्तर से अफल तफ्तील का सीखा है इसका वाहिद वानस है फद बस पुकारो उसको दाल आइन रूटवट है शुरू में फ हरफअ तफ है उद उ फेले अमर चबा बुजर हाजिर है दा यद से बस्तर है दावत उन जिसके मानी है पुकारना दुआ करना हु जमीर है बीहा साथ उनके वदरू और छोड़ दो व हरफ तफ है दरू जो है वो फेले अमर चबा बुजर हाजिर है वरा यदरु से बस्तर है वरुन मानी है छोड़ देना अल्लादीना उन लोगों को ये इसम मसूल जमा मुजकर है यदूना जो गलत नस्बत करते हैं यानी हक़ से फिर जाते हैं या हद से गुजर जाते हैं लाम हाल रुटवड़ है फेल मुजारे जबा वक़कर गायब है अल्हादा यदु से बसर है अहद जिसके मानी है गलत नस्बत करना फ़ी असमाई ही उनके नामों में फ़ी हरफ जर है असमाई मजरूर है और मुजाफ है इसका वाहिद है इसमन पहले आ चुका है ही मुजाफ लई है और ज़मीर है सुज ना अनकरीब जजा दिए जाएंगे जीम जा या रुटवड़ है सीन जो है वो मुजारे के सा जो शुरू में है वो मुजारे के मानी को मुस्तबिल के लिए मखसूस करता है युजुना फेल मज़ार मजहुल जबा बजक़र गायब है जजा यजी से बस्तर है जजा उन मानी है बदला देना माँ मानी है जो इस मसूल है कानू थे वो याम अमल करते ये फेले बज़ार जबा वजकर ग़ायब है आमिला या अमल से बस्तर है अमल उन अमल करना व और मम इसमें से जो यहाँ मिन हरफ जर है और मन इसम मसूल है خلقنا हमने पैदा किए यह फैलेबाजी जब पुतकम है खल यख्लुक से बस्तर है खलकन मनी है पैदा करना उमतन एक जमात ए गुरो यह दू ना वो रहनुमाई करते हैं यह फैले मुजार जबा उ गायब है हदा यह दी से बस्तर है हिदायत हदायत करना रहनुमाई करना बिलह की हक के साथ व और भी ही साथ के यादिल वो इंसाफ करते हैं आइन दाल लाम रूटवड़ है ये फेले मुजार जबा वज़क़र गायब है आदल यादिलु से मसर है अदल मनी है अदल करना व और अल्लादीना वो लोग कदबू जिन्होंने झुटलाया बि आयातीना हमारी आयात को हम ले जाएंगे उनको दाल रिम रुटवड़ है शुरू में मुज़ारे को मुस्कबिल के लिए मखसूस करता है और नस्तद रिजू फेले बुजार जमा मुतकलम है इस तदर्राजो यस्तद्रिजु से बस्तर है इस तदराजुन यानि आहिस्ता आहस्ता पकड़ना आखिर में हम जमीर है मिन हैसू जहाँ से हाइसू मजरूर है ज़रफ़ मकान है ला या आलामून वो इल्म नहीं रखते ये फेले मुजार मनफी ज़कर गायब है आलिमा या आला से बसर है इमुन मनी है जानना, व और उम मैं ढील दे रहा हूँ मैं मोहला दे रहा हूँ मीम लाम या रुटवड़ है उम फेले मुजार वाहिद मतक्लम है अमला युमली से बस्तर है इमला उन मानी है मोहला देना ढील देना लहम उनके लिए इन्ना बेशक ये हरफ मुशबा बिलफेल है कई दी मेरी चाल मेरी तदबीर काफ या दाल रुटवड़ है कई दी मस्तर और इस अस्तर है और मजाफ भी है या शाकिर मुजाफली है और वाहिद मुतकलम की जमीर है मतीन उन बहुत पक्की है मजबूत है मीम तान रूटवर्ड है मतान त मस्तर से सिफत मुशबा वाहिद मुजक्र है अवा क्या भला आ हमज़ा इस्तफ़ामिया है लम या तफक्का रू उन्होंने गौरव फिक्र नहीं किया फ का फ्रुटवड़ है ये फेले बुज़ारे मनफी जबा बजकर गायब है तफक्का या तफक् से बसर है तफक् गौर करना माँ नहीं ये नाफिया है बी सुहा उनके साथी को सौदा बारूटवड है बी शुरु हरफ जर है सुहाबी मजरूर है उन मस्तर से ये इसम फाइल है और वाहिद मुजकर है ये मुजाफ है और इसकी जमा है असहाब मानी है साथी साहेब और मालिक हिम मुजाफिलई है और जमीर है मिन जिन्न कोई जुनून जीम नून नून रोटवड़ है मिन हरफ जर है जिन्ना तिन मजरूर है जिन मस्तर से ये इसम है यानी जुनून को दीवानगी को और अकल को छुपा देने वाली चीज को कहा जाता है इन मानी है नहीं हुआ वो हुआ जमीर है इल्ला मगर ये कलम इस है नदीराम मुबीन डराने वाला है खुलम खुला नदीर मसूफ है नजरुन मस्तर से इसम फ़ाइल वाहिद मज़क्र है यानी डराने वाला और जो मुबीन है ये सिफ्त है इबानतम मस्तर से इसम फ़ाइल वाहिद मज़क्र है मानी है जाहिर करने वाला वाज करने वाला अवलम क्या भला नहीं यू उन्होंने देखा लम जब मुजारे से पहले आता है तो उसे मज़ूम करता है यानी जज़म देता है और जो नून अराबी होता है उसे गिरा देता है और मन्फी के मानी देता है मसलन लम्यां उन्होंने नहीं देखा नून, रूट है मजारे मनफी जमा मजर गायब है नो से मजतर है मानी है देखना फी मलाकूती फी मलाकूती समावाती आसमानों की अज़ीम शशान सल्तनत यहाँ मलाकूती जो है वह मजरूर है मज़ाफ है मीम लाम का फ्रूटवर्ड है और असमावाती मज़ाफली है वल अर्दी और ज़मीन वबा और जो खलक़ल्लादा किया अल्लाह ने ख़ल फ़िलेबाज़ी वाद वजर गायब है खलक यख्लुक़ से बस्तर है फलक़ुन पैदा करना मिन शैन किसी भी चीज़ को मिन हरफ जर है शयी इन मजरूर है वा और अन के ये मसरिया है आसा उम्मीद है ये फैले जामत माजी वाहिद मज़क्र ग़ायब है मानी है उम्मीद के और मुमकिन भी इसके मानी होते हैं इसके अलावा शायद भी इसके मानी होते हैं अन मानी है के यकूना हो ये फैल मज़ार वाद मज़क्र ग़ायब है क़द मानी है तहकीक ये कलमा तहकीक है और ताकिद के लिए आता है एक तौरबा क़रीब आ गया गयाा रूटवड़ है ये फिलेबाज़ी वादर गायब है एक तौरबा यक तरीबू से बस्तर है एक तरब करीबाना ना अजलुहम उनकी मदद हमजा जीमला है अजलु जो है वो मुजाफ है मुकर्र मदत और मकरर जो वक्त है उसको कहा जाता है हम मुजाफली है और जमीर है फी अयी तो सात किसके यहाँ फ हरफ तफ है बी हरफ जर है अयी मजरूर और मुजाफ है और इस्तिफ़ामिया है हदी सुन बात के सा रूटवड़ है ये मुजाफली है बाद उसके बाद बादा जो है ये मुजाफ है और हुफली है और जमीर है यूमिनून मीन व ईमान लाएंगे ये फैले मजार जमा मज़ाकर ग़ायब है आमाना युब से बस्तर है ईमान ईमान लाना मन जिसको ये मसूल शर्तिया है युदलील भटका देता है दौद लाम लाम रूटवट है युद्लील जो है ये मजार मरजूम वाद मज़ाकर गायब है अदल्ला युदिल्लु से मस्तर इदलाल मनी है गुमराह करना अल्लाह अल्लाह का ये झाती नाम है फ़ला पस नहीं फ़ाहर फ़ है हादिया कोई हदायत देने वाला यह हदायत उन मस्तर से इसम फाहल वाद मज़क़र है लहू उसको वाह और यदा छोड़ देता है उनको वाह दाल रुटवड है यदा रू फिलजार वाहिद मज़कर ग़ायब है वाह धा रू से बस्तर है वन मानी है छोड़ देना और हम जो है वो ज़मीर है फी तोनी हिम उनकी सरकशी में तो या ये दोनों इसके रूटवर्ड्स हैं फी हरफ जरफ है फी हरफ जर है।, है और तनीानी जो है वो मजरूर और मज़ाफ़ है या त से बस्तर है हिम आखिर में ज़मीर और मज़ाफले है या महून वो सरगर्दा फिरते हैं वो हैरान फिरते हैं आइन मीम हा रूटवर्ड है ये फेले मुजारे जमा मुजकर गायब है आमी हा या आमा आमिहाम से मस्तर है आमा हुन हैरानी से सरगर्दा फिरना भटकते फिरना यस अलूना का वो आपसे सवाल करते हैं यस अलूना न फेले मुजारे जमा मुजकर गायब है साला यस अलू से मस्तर है सुलुन सवाल करना पूछना का जमीर है वाहिद मुजक्र हाजिर की अन आती के बारे में अन हरफ जर है अस आती मजरूर है अना मानी है कब किस चीज़ का वक्त मालूम करने के लिए इसे, इसे इस्तेमाल किया जाता है मरसाह ठहरना इसका रॉ सीन रूटवर्ड है भरपा होना इसका ये भी इसके मानी है वाक़ होना इसका मुरसा जो है वो मुजाफ है अन मस्तर से मसरे मीमी है जिसके मानी ठहरने और जम जाने के हैं हा जो है वो मुजाफ है और वाहिद मोनस्ब की जमीर है उल कह दीजिए ये अमर वाहिद हाजिर है इन्ना मा बेश ये कलमा हसर है इल्म हा इल्म इसका इल्म मुफ है और हा जो है वो मुजाफ है और जमीर है इंदा रबी मेरे रब के पास है इंद मुजाफ है रबी मुजाफिलई मुजाफ़ है और या साकििन जो है वो जमीर और मुजाफिलई है ला यू जली हा ना जाहिर करेगा उसको जीम लामवा रुटवड़ है ला यू जली फेले वाहिद बुजार गायब है ज़ल्ला यू जली से बस्तर है तजली या त मानी है वाजह करना ज़ाहिर करना और हा वद मोनस्ब की ज़मीर है ली वक्ती हा उसके वक्त पर ली हरफ जर है वक्ती मजरूर है और मुजाफ है और हा मुफिल और वाद मोनस्ब की ज़मीर है इल्ला मगर हुआ वो सकुलत भारी होगा साफलाम रुटवड है ये फिलह म वाद मज़कर गायब है

बागता अचानक एकदम यकायक या सलू का वह आपसे सवाल करते हैं का अन्ना का गोया के आप का अन्ना हरफे मुशबा बिलफेल है और का जो है वो जमीर है हफीय बा जो है रूटवर्ड है तहकी करने वाले को कहा जाता है हफात से ये सिफ्त मुशबा है अनह इससे कुल कह दीजिए इन्नमा बेशक हा, इल्म इसका इला अल्लाह के पास है वलाकिन किन्ना लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोग अक्सर जो है वो मुजाफ़ है कसरातन मसर से अफ़लुल तफदील का सीखा है अन्नासी ये मजाफली है लाआलमून वो जानते नहीं

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا. إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا, وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون "ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم, سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يَسأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ۗ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. गुजतः आयात पे बड़ी इसराइल पर किए गए जो एहसानात हैं उनका ज़िक्र था देखिए होना तो ये चाहिए था कि बनी इसराइल अल्ला का शक्र अदा करती अल्लाह रसूल की ताद करती लेकिन उन्होंने अल्लाह के जो अहकाम हैं उन पर अमल करने की बजाय क्या किया तो रात को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बदल डाला हर तरह की लाफरबारी की और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया देखिए इल्म आने की वजह से जो बहम इख्तलाफात हैं वो होने लगते हैं और इस तरह से जो लोग हैं वो फिर ग्रोहों में जमातों में बढ़ जाते हैं ऐसा ही उन्होंने किया हालांकि उनमें कुछ लोग जो थे वो नेक भी थे और कुछ गैर सौले भी थे जिन्होंने तौरात को यानी अपनी किताब को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया था और आख़रत को भुला दिया था और वह दुनिया के फ़ायदों के पीछे भाग रहे थे आइए आज की आयत का आगाज़ करते हैं आयत नंबर वन सिक्सटी नाइन है फलफ मुम्बादिम खलफुरफुलताब यादू न أراد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يَأْتِيهِمْ أرد مثله يأخذه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ترجمة هي في داخل فلوغوني इनकी जगह ले ली यानी इनके जानशीन हुए और किताब के वारिस बनकर इसी दुनिया की ज़िंदगी का माल समेटने लगे और कहते ये थे कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा और अगर वैसा ही दुनिया का माल फिर उनके सामने आए तो फिर उसे ले लेते हैं क्या इनसे किताब में ये अहद नहीं लिया गया था कि वो हक बात के सिवा अल्लाह से कोई बात मंसूब नहीं करेंगे और ये बात वो पढ़ते भी रहे और आखरत का घर तो अल्लाह से डरने वालों ही के लिए बेहतर है क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है इस आयत में सबसे पहले कहा जा रहा है फलफिम खलफम वारिसकिताब या खुद नदल अदना लेकिन उनके बाद तौरात के ऐसे नाखलफ जानशीन वारिस बने जो इस किताब के ज़रिए दुनिया के जो मालो हैं उसी को समेटने में लग गए देखें अहले किताब के बावजदात में कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने वाकई किताब का हक जो है वो अदा किया था और कुछ बल्कि ज़्यादातर जो थे वो नाफ़रमान थे उनकी औलाद बड़ी ही नाअहल और ना लायक साबित हुई उन्होंने दुनिया के हकीर फ़ायदों के लिए अपनी किताब को जो है वो बेचना शुरू कर दिया वो लोगों को उनकी पसंद के फतवे दिया करते थे और इस तरह से दुनियावी फ़ायदे हासिल किया करते थे वह यूलुना सयुक फरुलना और वो कहते ये हैं कि हमें तो बख्श दिया जाएगा अब बनी इसराइल का आखरत के बारे में जो एक गलत अकीदा था उसका ज़िक्र हो रहा है यानी ये उनकी खुशफ़हमी थी कि हम जो हैं वो अम्बिया की औलाद हैं हम अल्लाह के चहीते हैं लाडले हैं लिहाजा हमें जहनुम की आग जो है वो बिल्कुल नहीं छुएगी हाँ अगर जहनुम में चले भी गए तो बस उतने ही दिन रहेंगे जितने दिन हमने बछड़े की पूजा की थी इन नाहल जानशीनों ने अल्लाह सुब्ल की किताब जो है उसको बेचना शुरू कर दिया और ये उनकी मनमानी जो है वो तहरीफ थी नाफरमानी थी और सरकशी थी और ये सब करके वो कहते क्या थे कि हम तो बख्शे बख्शाए हैं हम मुसलमान जो हैं आज बिल्कुल इसी तरह कहते हैं यानी आजकल के मुसलमान जजों को रिश्वत देकर अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं और फिर क्या कहते हैं अल्लाह तो रहीम है वहीं तेहमद मिफलु या खुदू और अगर उनके पास इसी की मानद और मालोमता सामान आ जाए तो वो इसको भी ले लेंगे यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि दुनिया की तलब और मालोमता की हिरस जो है वो रखने के बावजूद वो अल्लाह सुबहाना तफ़रत की उम्मीद रखते थे जैसा कि आजकल कल हमारे ये जो मुसलमान हैं उनका भी यही हाल है अलैहि मा फी क्या उन उनसे किताब में अहद नहीं लिया गया था कि हक के अलावा कोई बात अल्लाह से मंसूब नहीं करेंगे और उन्होंने पढ़ भी लिया था जो कुछ इसमें था यहाँ यही कहा जा रहा है कि बनी इसराइल से तौरात में पुख्ता अहद लिया गया था कि झूठी बात अल्लाह सुबहाना ताल से वो बिल्कुल मनसूब नहीं करेंगे अल्लाह पर झूठ नहीं गढ़ेंगे अल्लाह पर बहुतान नहीं लगाएंगे वो अल्लाह सुबहाना ताल के अहकाम को तौरा से मिटा दिया करते थे क्योंकि अमल नहीं करना चाहते थे और फिर अल्लाह के तहकाम को मनपसंद मानी दे दुनिया या फिर दुनिया कमाना चाहते थे या फिर ये दावा करते थे कि हमें जहन्नुम की आग जो है वो हरगिज़ नहीं छुएगी और अल्लाह हमें बख्श देगा सब अल्लाह पर झूठ करना था उनका ये क्योंकि अल्लाह सुबहना तला ने ऐसा कुछ कभी भी नहीं कहा ये सब वो अपनी ख़्वाहिशात की पैरवी में किया करते थे और नाम अल्लाह का लगा दिया करते थे वारखिरत खैर दीना के आखिर में कहा जा रहा है कि यकीन आखरत का घर तो बेहतर है उन लोगों के लिए जिन्होंने तक की रविश इख्तियारो तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे इसके दो मानी हैं नंबर एक ये है कि आखरत का घर उनही लोगों के लिए बेहतर होगा जो खुदा खौफी रखते हैं अल्लाह से डरते हैं और दुनिया में हर हर अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के बताए गए तरीके ही के मुताबिक करते हैं और जो लोग अल्लाह से नहीं डरते उनके लिए आखरत का घर बेहतर नहीं होगा क्योंकि उनका ठिकाना तो जहन्नुम होगा और इसका दूसरा मानी यह है कि अल्लाह का तकवा अख्तियार करने वाले दुनिया में आखरत को तरजीह देते हैं आख़रत के घर ही को वो बेहतर समझते हैं और वो यकीन रखते हैं कि उखरवई ज़िंदगी इस दुनिया की हकीर ज़िंदगी से इस दुनिया की हकीर नेमतों से बहुत ज़्यादा बेहतर है काश कहा जा रहा है सबको ये बात समझ आ जाए आयत नंबर 170 है वल्ला दीन मसी कू नाबी वसलामुसन तर्जबा है और जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ते हैं और नमाज कायम करते हैं तो यकीनन ऐसे नेक लोगों को अजर जो है वो हम ज़ाया नहीं करते इस आयत में सबसे पहले है वल्ल दीन मसी कू न बिल व अ़ाम और जिन लोगों ने किताब को मजबूती के साथ थामे रखा और नमाज कायम की यहाँ अब उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिनका शुभार ख़लफ लोगों में नहीं होता जो अल्लाह से डरते हैं आख़रत को दुनिया पर वो तरजीह देते हैं और उन्होंने असल तौरात को मज़बूती से थामा हुआ है और वो इस पर अमल भी करते हैं और इसी पर अमल करते हुए हज़रत हब्बा सल्लाम पर भी वो ईमान ले आए थे अल्लाह और रसलील्लाम के हर फरमान पर वो अमल भी किया करते थे तब्बास की पाबंद पाबंदी किया करते थे अल्लाह तरमा रहे हैं इन्ना इन्नालानदी अजरमुहस हम ऐसे लोगों का जो अपनी असलाह करना चाहते हैं और करते भी हैं अजर ज़ाया नहीं करते यहाँ तकवा करने किताब को थामने और अबाश कायम करने वालों के लिए आखरत की खुशखबरी है यानी वो मुसलमान हो जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान भी ले आएंगे और इस तरह वो अजर अजीम पाएंगे आयत नंबर 171 है

अभी गिरने वाला है उस वक्त हमने उन्हें हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो कुछ इसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि तुम परहेजगार बन सको सोतुल बकरा की आयत नंबर 63 में भी इस पर तफसीलन बात हो चुकी है यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है वह इथ न तक़ नजला फ़ोकहम का अनः दुल्ला तु वनु अनः वाक्यूम भीम और याद करो जबकि हमने पहाड़ को उनके ऊपर ऐसे उठा दिया था जैसे साहिबान हो यानि छतरी हो और उन्हें लगता था कि अब ये उन पर गिरने ही वाला है देखें हज़रत मूसीम जब तोरात लेकर अपनी कौम के पास पहुँचे और तोरात के अहकाम कौम को सुनाए तो बन इसराइल ने इन अहकाम पर अमल करने से जो है वो इनकार कर दिया और कहा हम इसे अल्लाह का कलाम ही नहीं समझते ना मानते हैं ना यकीन करते हैं तो अमल कैसा इस इनकार पर अल्लाह सुबहाना तै ने उनके सरों पर कोहे तूर जो है वो कर दिया और कहा कि इस पहाड़ को तुम पर गिराकर कुचल दिया जाएगा और उनसे कहा गया खुद आते ना कुम किताब को जो हमने तुम्हें दी है मजबूती से थाम लो और इसे याद रखो ताकि तुम मत्तकी बन सको तुम्हारे अंदर खुदा खौफी पैदा हो जाए बनी इसराइल ने पहाड़ तले कुचले कुचले जाने का जो है वो उसके डर से

तर्जबा है और उस वक्त को याद करो जब आपके रब ने बड़ी आदम की पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला और उन्हें ख़ुद अपने ऊपर गवाह बनाकर पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ वो अरवा कहने लगी क्यों नहीं हम ये शहादत देते हैं और ये इसलिए क्या ये उन्होंने इसलिए किया ताकि क्यामत के दिन तुम ये ना कहने लगो कि हम तो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे देखिए गुजशत आयत ब यहू से अहद लिया गया था जबकि इस आयत में आम जो अहद है उसका ज़िक्र हो रहा है ये जो अहद है ये हम सब की अरवा से लिया गया था और अलस्त कहलाता है अला सबर ते हज़रत आदब उम को पैदा करने के बाद उनकी पुर से क्या तक पैदा होने वाली तमाम जो रूहें हैं उनको अपने सामने हाजिर किया अपने सामने हाजिर किया और उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ सब ने कहा बला शहीदना क्यों नहीं हम आपके रब होने की जो है वो गवाही देते हैं देखिए अल्लाह सुबहाना तला की रबूबियत की ये गवाही जो है वो हर इंसान की फितरत में है सही बुखारी किताबुल उजनाइस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है बस उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी या मजूसी जो है वो बना देते हैं जिस तरह जानवर का बच्चा सही सालम पैदा होता है उसका नाक कान कटा नहीं होता यहाँ उन जानवरों का जिक्र हो रहा है जिन्हें बुतों के नाम वक्फ कर दिया जाता था और उनके कान वगैरह काट दिए जाते थे या नाक इस यही है कि वह अखद रबू का आदमोरी वुर्रिया हम और याद करो जब आपके रब ने आदमसम की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला व अश्द हम अलाफुसिम अस्तुब रबी कुम और उनको गवाह बनाया ख़ुद उनके ऊपर और सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ कालू बला शहीदना उन्होंने कहा क्यों नहीं हम इस पर गवाह हैं क्यामत तक के तमाम इंसानों की अरवा ने यह इकरार जो है वो होश होश हवास में लिया था या नहीं की हालत में लिया था अतलु यामक़्यामती इन्ना कन्ना अनहदा गाफ़िल कहीं तुम ये ना कहो क़्यामत के दिन कि हम तो इससे गाफ़िल थे यानी अल्लाह सुबहाना हम सब इंसानों की रूहों से अपनी रबूबियत की गवाही इसलिए ली थी यानी अपनी पहचान हमारी फ़ितरत में इसलिए डाली थी ताकि क्यामत के दिन हम ये बहाना ना बनाए ये उज़र ना पेश कर सके कि हमें तो किसी ने खबर ही नहीं दी थी हम तो गाफिल थे हमारे बाप दादा शिर करते थे हम क्या करते हमने भी उनकी पैरवी कर ली थी आयत नंबर वन सेवेंटी थ्री है अत अशर अब मुबतीबा है या तुम ये कह दो कि शिर तो हमसे पहले हमारे अबा उजदाद ने किया था और हम तो उनके बाद की औलाद थे तो क्या हमें तो इस कसुर में हला करता है जो गलत कारों ने किया था यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है अवतकोलु इन्ना मा अशर का आबाऊना मिन कबलू वकुन्ना दुर्रियतम बदहिम या तुम ये कहो कि शिर्क तो पहले हमारे अबा ने किया था हमसे पहले जो हमारे बड़े थे हमारे अबाओजदाद थे उन्होंने किया था और हम उनके बाद उनकी नस्ल में से थे अल्लाह ने अहद अलस्त इसलिए लिया था ताकि इतमा में हजत हो जाए सबको अल्लाह की मार्फत जो है वो अहद अलस्त में करवा दी गई थी लिहाजा अब क़यामत के दिन कोई ये बहाना जो है वो नहीं बना सकता ये नहीं कह सकता कि ए हमारे रब हमारा क्या कसूर हम तो ऐसे घरों में पैदा हो गए जहाँ सब शिर करते थे हम भी उनकी पैरवी करते रहे शेयर करते रहे असल मुजरिम तो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे अबाओजदाद हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस रास्ते पर चलाया था आयत के आखिर में कहा जा रहा है अफ़तुहली कुना बीमा फल अल तो ए हमारे रब क्या तू हमें इसलिए हला करेगा यानी उनकी गलती की वजह से उनके शर की वजह से उनके कसूर की वजह से उन गलत कारों की वजह से हमें हलाक करेगा की वजह से क़यामत के दिन अपनी गुमराई और शर का मलबा जो है कोई भी अपने बुजुर्गों पर नहीं डाल सकेगा यानी अपने अबाजदाद पर अपने गुनाह का बोझ डालकर कोई बरी नहीं हो सकता और ये नहीं कह सकता कि अला हमारे बुजुर्गों के कसूर की सज़ा हमें क्यों दी जा रही है हम तो अपने बड़ों की पैरवी करने पर मजबूर थे लिहाजा हमें इस वजह से अजाब ना दिया जाए कि हम उनकी हैं। आयत नंबर वन सेवेंटी फ़ोर है व कदाली आयाती, व तर्जबा है हम अपनी आयत इसी तरह तफसील से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि लोग राय रास्त की तरफ लौट आए अल्लाह सवरान फरमा रहे हैं कि कुरान में हम अपनी आयत को तफसील से बयान करते हैं खूब खूब वजाहत करते हैं ताकि लोग इन वाक़ से नसीहत और इबरत पकड़ें वो अल्लाह और रसूल की नाफ़रमानी से और हर तरह के शर्क से और गुमराई से बचें और वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है उसको जान सकें हदायत के रास्ते पर चल सकें अल्लाह और रसूल की इतात कर सकें अल्लाह के हर हर हुक्म पर अमल कर सकें अल्लाह ताला हमें इसकी बेहतरीन अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आयत नंबर वन सेवेंटी फ़ाइव हैत आयाति शैतान फ़क़ान तर्जबा है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन्हें इस शख्स का हाल सुनाइए जिसे हमने अपनी निशानियां दी थी लेकिन वो इनकी पाबंदी से निकल भागा फिर शैतान उसके पीछे पड़ गया चुनाचे वो गुमराह हो गया यहाँ एक ऐसे शख्स का वाक़ सुनाया जा रहा है जो हदायत पर था यानी अल्लाह सल तयात का इलम रखता था अल्लाह सन् ते अपने ख़ास से नवाजा था लेकिन ये उसकी बदनसीबी थी कि वो अल्लाह सुबहाना तआला की ता से निकल कर उसकी नाफरमानी करने लगा यानी उसकी बंदगी से निकल कर वो शैतान का चेला बन गया लिहाजा कहा जा रहा है वतुल आती आयातिना और इन्हें उस शख्स की खबर सुनाइए जिसको हमने अपनी आयात की थी यहाँ से पता चलता है अल्लाह सुबहाना तला ने उस शख्स को अपनी किताब का इल्म दिया था यानी दीन की समझ दी थी तौरात तो में भी इस बड़ी इसराइली शख्स का वाक़ मिलता है तौरात तो में इसका नाम बिलम बिन आउरा था बिलअम बिन बाउरा था और ये एक बहुत बड़ा आबिद जाहिद और आलिम था अल्लाह सुबहाना शख्स का वाकया सुनाकर हमें भी अपना मुहासबा करने का कह रहे हैं ताकि हम भी इस वाक़े से इबरत पकड़ें और अपनी असलाह जो है वो करें फान फतबाउ तकानाविन फिर शैतान उसके पीछे लग गया और वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया अल्लाह सुबहाना ने इस शख्स को दीन की जो है वो सबज पूछती थी लेकिन फिर वो शख्स माल की मोहब्बत में मुब्तला हो गया और शैतान की पैरवी करने लग गया माल की मोहब्बत की वजह से वो अल्लाह सुबहाना ताल का नाफरमान बन गया था देखिए जब कोई शख्स अल्लाह सुबहाना ताल की ता से बाहर निकलता है तो फिर वो शैतान का आसान शिकार बन जाता है क्योंकि अल्लाह का हजर में फरमान है इन्ना इबादी लैसा लका सुल्तान शैतान को किसी बंदे पर कोई इख्तियार हासिल नहीं होता लेकिन जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लपकता है और बुराई कर बैठता है तो फिर वो शैतान का आसान शिकार बन जाता है शैतान जो है वो ऐसे शख्स के पीछे लगता है यानी फिर उसके पीछे भी लग जाता है और अगर वो तोबा करके रुजू ना करे तो उसे शैतान आहिस्ता आहिस्ता हदाय से जो है वो दूर ले जाता है यहाँ तक के फ्काना गावीन वो गुमराहों में से हो जाता है शैतान उसे

दाली का मथल दी ना कद्दा बुबी आयाती ना फख्स लम या तफक् रोन तर्जमा है और अगर हम चाहते तो इन निशानियों से इसके दर्जात को बुलंद कर देते मगर वो तो पस्ती की तरफ झोंक गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया ऐसे शख्स की बिसाल कुत्ते की सी है कि अगर तू इस पर हमला करे तो भी हामता है और ना करे तो भी हामता है ये उन लोगों की मिसाल है चर हमारी आयात को झुटला दिया आप ऐसे किस्से इनसे बयान करते रहिए शायद के ये लोग गौर व फिक्र करें इस आयत में सबसे पहले कहा जा रहा है अहलदा बिहा वला वत्तबा हवा और अगर हम चाहते तो इन आयत के ज़रिए से उसे और बुलंद करते मगर वो तो ज़मीन की तरफ ही धंसता चला गया यहाँ लब तरमा रहे हैं कि अगर कोई मेरी किताब को पढ़ता है समझता है यानी मेरे हर हर हुक्म पर अमल करता है और दूसरों को भी अल्लाह सुबाना ताल की आया से जोड़ता है तो वह उसे इस दुनिया में भी बहुत बड़ा शर्फ और इज़्ज़त बख्शता हूँ बुलंदी ता फरमता हूँ उसे दीन पर हूँ, नेकियों की तोह ता हूँ अपनी इतात पर जमाता हूँ इस बार इसराइल के शख्स को भी अल्लाह सबर तला ने अपनी आयात की समझ वो जता फरमाई थी वो इन आयात के मुताबिक लोगों के जो है वो फैसले करता था लेकिन फिर वो शाह माल की मुहबत में गिरफ्तार हो गया मालो बता और इनामोकर इन के लालच में वो मुब्तला हो गया और अल्लाह सुबाना तआला की आयात के खिलाफ उसने फैसले करने शुरू कर दिए इसीलिए कहा जा रहा है वाला इलल अर्द और इस तरह वो जमीन ही की तरफ जो है वो धंसता चला गया देखे जो वही लाई है वो हबारी रूह की गजा है ये इल्म इंसान को दुनिया और आख़रत में जो है वो बुलंदीता फरमाता है इसके मुकाबले में जो शख्स वही एलिई को छोड़ देता है और दुनिया की हक़ीर नेमतों की हिरस में लालच में मुबला हो जाता है तो वो बुलंदियों से नीचे ज़मीन पर पटख दिया जाता है और फिर वो ज़मीन ही में धंसता चला जाता है इसी तरह वो दुनिया आख़रत में जलीलो हवार होकर रह जाता है और इस अंजाम को इसलिए पहुंचता है क्योंकि व तबाह हवा क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की होती है अगर वो वही एलई के ज़रिए अपनी रूह को ऊपर उठाता तो जरूर अल्लाह सुबहाना का कुर पाता यानी दुनिया और आख़रत में कामयाब हो जाता लेकिन उसने सारी जो अपनी तो जो थी और कोशिश जो है वो अपनी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने में सर्फ करनी शुरू कर दी चूँकि जिसम की जरूरत की सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन में से निकलती हैं ज़मीन पर होती हैं लिहाजा वो भी बाल की मोहब्बत बे जब गिरफ्तार हुआ तो अपने नफ्स की पैरवी करने लगा और ज़मीन ही के साथ जो है वो चिमट गया और इसी में धंसता चला गया का मसालिल कल्ब तो उसकी मिसाल एक कुत्ते की सी है इतमिल यतरुख हु तुम उसके ऊपर बोझ रखो तब भी हांपेगा और अगर छोड़ दो तब भी हांपेगा ने उस शख्स को हदायत की नेमत से नवाजा था लेकिन उसने अल्लाह सुबहाना ताला की दी गई उस नेमत की जो है वो नाकदरी की थी और माल की मोहब्बत में वो जानवरों से भी बदतर हो गया था यही वजह है कि उसकी मिसाल कुत्ते से दी जा रही है क्योंकि कुत्ते पर बोझ लादा जाए तो भी हामता है और अगर बोझ ना लादा जाए तो भी हामता है कुत्ते की फितरत में होता है कि वो हर वक्त हिरस और लालच में ज़मीन पर पड़ी हर चीज को जो है वो सूंघता रहता है कहा जा रहा है माल की जो मोहब्बत है दुनिया की हिरस जो है वो इंसान को जानवरों से भी बदतर बना देती है लहसुन दरअसल थकावट और प्यास की वजह से जुबान के बाहर निकलने को कहा जाता है और कुत्ते की फितरत फिद्र, में और आदत में होता है कि वो भूखा प्यासा हो या उसका पेट भरा हुआ हो वो हर हाल में जुबान बाहर निकाल कर हामता रहता है यही हाल उस शख्स का होता है जो बाल की मोहब्बत पे बबतला होकर शैतान की पैरवी में लग चुका होता है उसे कोई भी नसीहत की जाए वास किया जाए मुख्तफ वाकयात के जरिए इबरत दिलाई जाए उस पर कोई असर नहीं होता दुनिया के मालूमता के लिए उसकी राल जो है वो हमेशा टपकती ही रहती है गाली का माथा लल् मिल्ला दीना कज़ा यही मिसाल है उस कौम की जिन्होंने हबारी आयात को झुठलाया सबरा तला ने कुरार में उस शख्स का नाम नहीं बताया बल्कि सिर्फ़ उस शख्स के बारे में बताया है कि वो अल्लाह सबर तला की आयात का इल्म रखता था यानी बा अमल आलिम था लेकिन फिर दुनियावी मालो मोहब्बत दुनियावी जो मालो मत है उसकी मोहब्बत जो है उसके दिल में घर कर गई और जब वो ख्वाहिशात की पैरवी में लग गया तो अपने बुलंद और मरतबे से गिरा दिया गया देखिए शैतान का पैरोकार जो है वो अल्लाह का नाफरमान बन जाता है और ऐसे शख्स की मिसाल जो है एक कुत्ते से दी गई है क्योंकि उसकी कैफियत दुनिया के कुत्ते की तरह थी दुनिया की हेरसो में वो हराबो हलाल और जायज़ ना जायज़ की तमीज़ जो है वो भूल चुका था उसे हर हाल में माल चाहिए था लिहाजा जो भी इंसान या कौम उस शख्स जैसी बुरी खसलतें अपने अंदर पाए तो उसे चाहिए अपने रवैये पर गौर फिक्र करे फ़ौर तोबा इस करे अपनी असलाह करे और दोबारा दुनिया की मोहब्बत जो है वो दिल से निकाल कर शैतान की पैरवी करने की बजाय वही इलाही की पैरवी करे क़ुरान से अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करे की किताब को जो है वो मजबूती से थाम ले इसीलिए कहा जा रहा है फ़ख क़सस कसा सा बस बयान करो ये किस्सा शायद के वो गौर व फ़िक्र करें ये किस्से और वाक़ जो हैं वो कुरान करीम में इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि लोग इनकी रोशनी में अपना मुहासबा करें और अपनी असलाह करें आयत नंबर वन सेवन सेवन है सा आ माथा ला ना कानू याद तर्जबा है ऐसे लोगों की मिसाल बहुत बुरी है जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया और ख़ुद अपने आप ही पर जुल्म करते रहे यानी वो जानते बूझते हुए अल्लाह की आयत को झुटलाते थे अल्लाह के अहकबात की खिलाफ वर्जी करते थे इस तरह वो आखरत ख़राब करके अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे यानी वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे थे अपना ही नुकसान कर रहे थे ऐसे जालिम लोग अगर दुनिया में किसी की हक तल्फी करते हैं है, तो दुनिया आखरत में इसका खमियाजा जो है तर्जा है, है, है अल्लाह जिसे हदायत दे वही हदायत पा सकता है और जिसे वो गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है मैं यह हुवा हदाय देना सिर्फ अल्लाह सुबहना तला का काम होता है क्योंकि अल्लाह ही अपने बंदों के दिलों के हाल जानता है उसे पता होता है कि किसके अंदर हदायत पाने की तलब है ख्वाहिश है शौक है कौन हदायत पाना चाहता है कौन अल्लाह को राज़ी करना चाहता है और कौन जो है वो गुमराही में रहना चाहता है शैतान की पैरवी करना चाहता है अपने नफ्स की पैरवी करना चाहता है अहले इल्म को उनका इल्म तभी फ़ायदा देता है जब उस इल्म पर अमल भी किया जाए और अपनी इल्मी काबिलियत पर फ़ख्र तकबर ना किया जाए बल्कि आर्जी अख्तियार की जाए और अला सुब्ल से इल्म पर अमल की तोफ़ी भी मांगी जाए असवाना ताली का किसी को हदायत देना या गुमराह करना दरअसल एक असूल की वजह से होता है असूल ये है कि कौन हदायत पाने के मौके से फ़ायदा उठाता है जब कोई बार बार इन मौके को ज़ाया कर देता है क्योंकि उसके अंदर हदायत पाने की तलब ही नहीं होती शौक़ ही नहीं होता अल्लाह का हदायत या फिर गुमराई में रखने का फ़ैसला भी बंदों के अमल और उनके रवैयों की वजह से होता है यहाँ हमारे लिए भी सबक़ है कि हमें हदायत पाने की तलब और ख्वाहिश रखनी चाहिए अल्लाह से इसके लिए दुआएं भी मांगनी चाहिए और फिर कोशिश भी करनी चाहिए हदायत पाने के मौक़े जो हैं उनसे ज़रूर जरूर, जरूर, जरूर फ़ायदा उठाना चाहिए वामिल्लाई का हमल ख़ास और जिसको अल्लाह भटका दे तो बस यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं अल्लाह अल्ला ताला जब हदायत पाने के मौक़े पैदा करता है तो बार बार इन मौक़े को ज़ाया करने वाले पर से बिल आखिर इन मौक़े को उठा लेता है यानी तफीक उठ जाती है लिहाजा वो गुमराह ही में मर जाता है यानी उसको कभी तोफीक नहीं मिलती फिर हदायत पाने की और इस तरह से वो दुनिया के साथ साथ आखरत जो है वो अपनी बर्बाद कर लेता है और आखरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाता है आयत नंबर वन सेवन है

देखते नहीं और कान है लेकिन उनसे सुनते नहीं ऐसे लोग जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गे गुजरे हैं और यही लोग गफलत में पड़े हुए हैं इस आयत में सबसे पहले कहा जा रहा है और हमने जहनुम के लिए बहुत से जिनों इंस जो हैं वो पैदा किए हैं यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना ताल ने तो हदायत के बहुत से इंतज़ाम किए थे यानी अम्बिया कराम भेजे आसमानी किताबें भेजीं रूहों को दुनिया में भेजने से पहले उनसे अहद लस भी लिया लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अक्सरियत हदायत पाने के जो सारे मौक़े हैं वो ज़ाया कर दिए बहुत से जिन और इंसानों ने अपने रवैयों और तर्ज़ अमल से अपना जहनुमी होना साबित कर दिया है लिहाजा अब यही लगता है जैसा कि जिन और ये इंस यानी इंसान जो है इनकी अक्सरियत जहनुम ही के लिए पैदा की गई थी इसीलिए कहा जा रहा है قلوب यफ़ कहू بها ولهم वह आयुन ला بها ولهم آذان आजानल्ला यसमाना बीहा उनके दिल तो हैं लेकिन वो इनसे ग़ौर नहीं करते उनकी आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं और इनके कान हैं लेकिन वो इनसे सुनते नहीं हैं यानी इंसानों और जिन्हों की जो अक्सरियत है वो इन हवा से ख़मसा का गलत इस्तेमाल करती है अपने इन आज़ा से फ़ायदा नहीं उठाती यानी आख़रत के बारे में सोचती समझती नहीं हक़ देखना और सुनना पसंद नहीं करती दिल आँखों और कानों का इस्तेमाल सिर्फ दुनिया कमाने और बढ़ाने के लिए होता है आँखों से देखकर इब्रत और नसीहत ये लोग नहीं पकड़ते कानों से हदायत की बातें जो है वो सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते आखरत के बारे में ना सोचते हैं और ना ही उसकी कोई फिक्र करते हैं और ना ही कोई तैयारी करने का उन्हें ख्याल आता है बस वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लगे हुए हैं कला नामी हम अदल ये लोग जानवरों की तरह होते हैं बल्कि उनसे भी गे गुज़रे होते हैं उनसे भी बदतर होते हैं देखिए जब इंसान बार बार हदायत पाने के जो मौक़े हैं उनको ज़ाया कर देता है ख्वाहिशात के पीछे भागता है और शैतान की पैरवी में लग जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि इनसे हदायत पाने की जो तौफीक है वो छीन ली जाती है इनके दिलों पर मोहर लगा दी जाती है इनके दिलों पर पर्दे पड़ पर जाते हैं जंग लग जाता है अब इनके दिल जो है वो खाली हो जाते हैं अब इनकी आंखें इंसानी आंखें नहीं रहती और ना इनके कान इंसानी कान रहते हैं अब वो वानों की तरह देखते हैं और हेवानों ही की तरह सुनते हैं यानी जब इंसान हदायत की तरफ से अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है तो वो जो पायों जैसा यानी जानवरों जैसा हो जाता है बल्कि उनसे भी बदतर मखलूक बन जाता है क्योंकि वही इलाई इंसान को ऊपर उठाती है अशरफुलमखलूक बनाती है वही इलाई को ठुकराने वाला जानवरों से भी बदतर हो जाता है सूरत तीन की आयत नंबर चार और पाँच में भी है लकत खलक नल इंसान फी अहसानी तकवीम तुम मारद ना असफल साफिलीन इंसान पैदा किया गया है बेहतरीन अंदाजे पर बुलंद तरीन सतह पर यहाँ तक कि अपने तख्लीकी मैार के मुताबिक वो अशरफुल मखलूक ठहरा लेकिन जब वो इस मुकाम से नीचे गिरा तो कम सतह की मखलूक से भी कम तरीन हो गया फिर उसकी ज़िंदगी जो है वो महज हैवानी ज़िंदगी बनकर रह गई यानी हैवानों की तरह खाने लगा उनकी तरह पीने लगा दुनिया की लजतों में पड़ गया और फिर इसी हाल में मर गया ना जिंदगी का मकसद समझ आया ना अपने रब की पहचान कर पाया ना उसके अंदर खुदा खौफी आई और ना ही आखरत की फ़िक्र और ना ही कबर की फ़िक्र और ना ही उनकी कोई तैयारी की उलाई का मुलून यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं ये गाफिल लोग दुनिया की जिंदगी ही को सब कुछ समझ बैठे हैं आखरत की फिक्र नहीं जवाबदेही का एहसास नहीं यही वजह है कि वो अपने अनजाम से गाफिल हैं आयर वन एटी है वलिला उलहसन फ़द ऊ हू बीहादीना फ़ी असमाई सऊन मानु मा या मलुन तर्जबा है अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं इन्हीं नामों से उसे पुकारो और छोड़ दो उन लोगों को जो उसके नामों में इहदाद करते हैं कजी निकालते हैं जो कुछ वो करते हैं जल्द ही उन्हें बदला मिल जाएगा इस आयत में सबसे पहले है वलिलासमा उसन फदू बिहा और तमाम अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं तो पुकारो उसे उसके अच्छे नामों से में है जो अल्लाह स्वर तला के नामों को शुमार करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा अल्लाह ताक है ताक को पसंद फरमाता है यहाँ शुभार करने से बुरात है इन नामों पर ईमान लाना या इनको गिनना और इन्हें एक एक करके बतौर तबरुक अखलास के साथ पढ़ना या इनके मानी जानना और इन्हें हिफ्स करना अल्लाह जो है ये अल्लाह का जाती नाम है बाकी सब उसके सिफाती नाम है बुखारी किताब तोहीद बे है अल्लाह सबा के नवे नाम है जो शख्स इन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा देखिए सिफात के तबार से अल्लाह सुबहाना ताली के बेशुमार नाम हैं इनमें से कुछ नाम जो हैं वो कुरान में आए हैं और कुछ अदीस में वहाँ से हमें पता चलते हैं इस आयत पे यही कहा जा रहा है कि अल्लाह के सब नाम जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं लिहाजा अल्लाह को इन नामों के ज़रिए पुकारो इन नामों के ज़रिए अल्लाह से दुआ करो मसलन या करीम या लिमुन या कफुर वगैरह फिर कहा जा रहा है वजह फी असमाय और छोड़ दो लोगों को जो उसके नामों में कजी निकालते हैं करते हैं लहत जो है वो टेड़ को कहते हैं कबर के लिए एक सीधा गढ़ा खोदा जाता है ऊपर से नीचे सीधा फिर उसके एक तरफ बगली गड़ा खोदा जाता है इस बगली गड़े को लहत कहते हैं क्योंकि ये सीधे गड़े से हट कर होता है साइड पे अल्लाह के नामों में इल्हाद करने से मुराद है इसमा हुस्ना का गलत इस्तेमाल किया जाए यानी इन नामों का इस्तेमाल शिर करने के लिए किया जाए अल्लाह के नामों को बिगाड़ा जाए जैसे ओजा लात बुतों के नाम रख लिए जाते थे फिर ये भी कहा जाता है ये नाम इतनी दफा पढ़ो तो ये काम बन जाएगा और बहुत कुछ खुद से घड़ा हुआ होता है कहा जा रहा है ऐसा युज जऊ न माँ कानू या मालून अन करीब वो बदला पाएंगे अपने अमाल का यानी उनको अपने किए का बदला तो मिलकर ही रहेगा आयत नंबर

हक का है यानी हर फैसला वो अदलो इंसाफ के साथ करता है यानी खुद भी हक पर है और दूसरों को भी हक की तरफ बुलाता है उनकी रहनुमाई करता है हदायत की तरफ आयत वन एटी टू है, हैतना तर्जा है और जो हमारी आयात को छुटलाते हैं हम उनको बतदरीज गिरफ्त में लिए जा रहे हैं इस तौर पर कि उनको खबर भी नहीं अल्लाह सुबहना तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की आयत का इनकार करने वालों को हम जो है रफ्ता रफ्ता आइस्ता आहिस्ता ऐसे पकड़ेंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा देखिए कुरैश बक्का के सरदार हक का इनकार करते थे और उन्हें दुनियावी कामयाबियां भी खूब खूब खुँ मिल रही थी तिजारत करते थे खूब माल कमाते थे और वो मुसलमानों पर खूब जुल्म भी ढा रहे थे क्योंकि उन पर किसी किस्म का कोई अजाब नहीं आ रहा था जिसकी वजह से वो इस खुश फहमी में मुबतला थे कि वो हक पर हैं वो सब ठीक कर रहे हैं लिहाजा वो कुफर और गुनाह में मजीद पक्के हो गए थे आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे तला फरमा रहे हैं ये सब जो उनके साथ हो रहा है ये दरअसल हमने उनको घेर लिया है यानी उन्हें खबर भी नहीं हो रही और वो गुनाहों में पक्के होते जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें ढील दे रहे हैं उनकी रस्सी दराज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो गुनाहों की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता। आयत नंबर वन एटी थ्री है व उमली लहुम इ कैदी मतीन और मैं उनको ढील दूंगा यकीनन मेरी चाल बहुत मजबूत है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी रस्सी दराज की जाती है ताकि वो गुनाहों में पक्के हो जाए उनको ढील दी जाती है ताकि क्यामत के दिन वो ये ना कहें कि अल्लाह में तो मोहलती नहीं दी गई अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी तदबीर है कि उन्हें अपनी असलाह करने के लिए बार बार मौके दिए जाते हैं कि शायद वो लौट आए और ये देखें अल्लाह असमाना तला का बहुत बड़ा करम है अल्लाह की मेहरबानी है कि उन्हें मोहलत दी जाती है बार बार दी जाती है लेकिन जब वो इंतहा को पहुंच जाते हैं किसी सूरत ईमान नहीं लाते तो अचानक अजाब नाजिल हो जाता है फिर उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होता ढील देने की मिसाल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कांटे के जरिए मछली शिकार की जाती है जब कांटा मछली के हलक में फंस जाता है तो इसके बाद वो कहीं नहीं जा सकती चनाचे ऐसी सूरत में शिकारी जो है वो डोर ढीली छोड़ देता है और फिर जब मुनासिब समझता है तो डोर खींच लेता है और मछली को काबू कर लेता है आयतबर 184 है अवालमयारु मा बिहि कभी नहीं सोचा कि उनके साथी मुहब का कोई जुनू नहीं वो तो महज एक खुलम खुले डराने वाले हैं यहाँ सबसे पहले कहा जा रहा है अवालमय या तक रु माँ बिस्ाहिबी मिन जिन्ना क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उनके साथी को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई جنون नहीं है यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह के جنون के असरात या किसी जिन का साया वगैरह कुछ नहीं है दरअसल मुशरिकन मक्का मुहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहा करते थे कहते थे इन पर किसी जिन का साया हो गया है अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं ए अक्ल के अंदो, ज़रा गौर तो करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने पले बड़े उनकी सीरत शख्सियत तहारत उनका अख्लाक और किरदार जो है वो तुम सब लोगों के सामने है क्या मजनू लोगों का किरदार ऐसा होता है क्या तुमने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहने के दावे पर गौर फिक्र नहीं किया इन हुआ अल्लाह नदीर मुबीन वो नहीं है मगर वाज तौर पर खबरदार कर देने वाले यानी वो तो साफ साफ डराने वाले हैं पैगाम्बर हैं अल्लाह के अहकाम लोगों को पहुंचा कर उन्हें गफलत की जिंदगी से बेदार करने वाले हैं उन्हें आखरत के जहाब से डराने वाले हैं ताकि लोग अपनी जिंदगी के मकसद को पहचाने आखरत की तैयारी करें दुनिया में मगर ना रहे ख्वाहिशात की पैरवी ना करें आयत नंबर 185 है आयत नंबर 185 है अवलम यूफ़ी मलकूत समा वाति वल अर्दी वमा मलकल्ला मिन शई व अन आसा यकून कदिक तरब अजल हम फ़बी अई हदीसी बदहू यू मिन तर्जबा है और क्या उन्होंने आसमान और जमीन की हुकूमत और जो चीज भी अल्लाह ने पैदा की है उस पर गौर नहीं किया और क्या यह भी नहीं सोचा कि शायद उनकी जिंदगी की मदद आ लगी है तो फिर पैगंबर की इस तम्बी के बाद और कौन सी बात होगी जिस पर ये ईमान लाएंगे सबसे पहले कहा जा रहा है अवाल मलकूती वाली मैं खलाशय और क्या इन लोगों ने गौरव फिकर नहीं किया आसमान और जमीन की सल्तनत में और अल्लाह ने जो चीज़ भी बनाई है यानी क्या हुआ? उसे नहीं देखा कहा जा रहा है कि लोगों ने इस कायनात पर आसमान और जमीन पर बिल्कुल तोजो नहीं दी अल्लाह हर चीज एक मकसद के साथ पैदा की है एक प्लानिंग के बाद उसे वैसा ही बनाया है जैसा कि उसे होना चाहिए यह सब अल्लाह सुबहाना बेपना हमत और कुदरत की निशानियां है हर चीज अल्लाह सुबहाना तआला की किबरियाई बड़ाई और असमत का मुंह बोलता जो है वो सबूत है हर चीज़ से हम अल्लाह सुबहाना तार्फत अल्लाह सुबहाना पहचान जो है वो हासिल कर सकते हैं हाँ शर्त यह है कि हम गौर और फिक्र करें तआला ने अपनी मखलूक की सब जरूरिया जो है उनको पूरा करने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी इस कायनात को बनाया था वन आसा आई यून आदिक तरह हम और ये नहीं सोचा कि हो सकता है उनका मुकर्रा वक्त जो है वो करीब ही पहुँच गया हो इस सूरत में आयत नंबर थर्टी फोर में था वाली कुली उम्मन अजल और हर कौम के लिए एक वक्त मुकरर है और उसका वक्त मोइन का इल्म जो है वक्त मोइन का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है अब कहा जा रहा है एन मुमकिन है उनके लिए जो वक्त अल्लाह ताला ने मुकरर किया है वो करीबिया लगा हो और उन्हें खबर ही ना हो फबी अई हदीसी बदाहू यून और अब इसके बाद और किस बात पर ईमान लाएंगे यानी क्या आसमान जमीन की बादशाह और कायत की निशानियाँ देख कर ये मुशरिकीन इस नतीजे तक नहीं पहुँचे कि यह सब बग़ैर किसी मकसद के नहीं पैदा किया गया यानी अब अल्लाह की बात सुनने के बाद दावत दीन के बाद क़ुरान सुन लेने के बाद उसकी आयात को तो देख लेने के बाद और अल्लाह की कायन में बिखरी बेशुमार देख लेने के बाद भी ईमान नहीं लाए अब इन्हें मजीद क्या चाहिए अब ऐसा क्या ये चाहते हैं ईमान लाने के लिए क्या ईमान लाने के लिए ये सब काफी नहीं है आयत नंबर वन एटी सिक्स है मयुद्ली हद फी तो या तर्जमा है जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं और वो इन्हें उनकी सरकशी में छोड़ा है कि सर टकराते तेर फिरें सबसे पहले है फला हादी अला जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं है यानी हक को सामने देखकर बार बार इनकार करने पर दिलों पर मोहर लगा दी जाती है हक पाने की हदायत पाने की तोफ़ी छीन ली जाती है अब अल्लाह के अलावा कोई उसे हदायत पर नहीं ला सकता नहीं जमा सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता और जिसके अंदर हदायत पाने की ना तलब हो ना शौक हो और ना ही कोई कोशिश हो फिर उसे कोई हदायत नहीं दे सकता व या हम फी तो या नहम या महून और वो उन्हें उनकी सरकशी में छोड़ देता है फिर वो अंधे होकर भटकते फिरते हैं वो फिर हर हद को तोड़ने वाले बन जाते हैं लिहाजा कहा जा रहा है उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए देखिए जब मोहलत ख़त्म हो जाती है तो फिर अल्लाह की पकड़ से उसे कोई बचा नहीं सकता आयत नंबर वन एटी सेवन है آية 187 هي يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُو ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهْ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ أَنْهَا लोग आपसे पूछते हैं कि क्या मत कब कायम होगी आप इनसे कहिये ये बात तो मेरा रब ही जानता है वही इसे इसके वक्त पर जहर करेगा और ये आसमानों और जबीन का बड़ा भारी हादसा होगा जो यकदम तुम पर आन पड़ेगा लोग आपसे तो यूं पूछते हैं जैसे आप हर वक्त उनकी टोमे लगे हुए हैं इनसे कहिए कि इसका इल्म अल्लाह ही को है मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते सबसे पहले है युना का अनसाती अना मुरसाह कुल इन इमदबी ये आपसे क्यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब वाक़ होगी અને નબી સલ્લલ્લાહ અલહી અલસલમ આપ કહીએ કે ઇસકા ઇлм તો મેરે રબ કે પાસ હૈ મુશિકીને મક્કા આપ સલ્લલ્લાહ અલહી અલસલમ સે સવાલ કિયા કરતે થે કે કયામત કબ આયegi અલ્લાહ સુબહાન તલા અપને નબી હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહ અલહી અલસલમ સે ફરમા રહે હૈ કે આપ ઇનકો બતા દીજીએ કે ઇસ કે બારે મે મેરે અલ્લાહ કે સિવા કોઈ નહીં જાનતા યાની અલ્લાહ સુબહાન તલા ને इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया इल्लाहु वही जाहिर करेगा इसे इसके वक्त पर यानी क़यामत अपने मुकर वक्त पर जरूर आकर रहेगी वल अर्थ वो आसमान और जमीन पर भोजल है भारी है यानी क़यामत के आने का वक्त इतना करीब आ लगा है कि मालूम होता है आसमान और जमीन बोझल हैं कि वो आए और काम ख़त्म हो जिस तरह एक मादा अपना हमल लिए फिरती है और आखिरी दिनों में ज़्यादा बोझ महसूस करती है और बोझल हो जाती है इसी तरह ये कायनात भी क्यामत को यानी अपनी फना को लिए फिरती है हर शेजो तख्ली की गई है उसकी मौत उसके वजूद के अंदर मौजूद होती है यानी हर इंसान अपनी मौत को अपने साथ लिए फिरता है इसी तरह कहा जा रहा है पूरी कायनात भी अपनी फना का बोझ उठाए हुए है ला इल्ला बगता वो यानी क़यामत नहीं आएगी तुम पर मगर अचानक यस अलूना का काना का हफियन अनहा नबी वसल्लम आपसे तो ये इस तरह पूछते हैं गोया आप इसकी खोज में लगे हुए हैं यानी उन्हें लगता है आप बस क्यामत की तारीख ही की तहकीक और जस्तजू जो है वो कर रहे हैं हालांकि आपका इससे कोई सरोकार नहीं कुल अलैहि वसल्लम आप इन सवाल करने वालों से कह दीजिए क्यामत का इल्म तो बस अल्लाह ही के पास है लेकिन अक्सर लोग जो है वो इल्म नहीं रखते अलहमदिल्ला हमारी आज की तफसीर मुकम्मल हो गई है होमवर्क नोट कर लीजिए सवाल नंबर एक आज की आयत का तर्जुमा, अल्फाज के वाहे जमा और रूटवर्ड्स बताइए सवाल नंबर दो सरजद सैफ़ का तरीक़ा बताइए इस दफा का नबाज़ रवी का लेसन है सरज सैफ़ का बयान वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है वीडियो देख लीजिएगा सवाल नंबर तीन मुदरज़ा जैल को आप इसमें मैच कीजिए नंबर एक इसमें ज़मीर नंबर दो इसमें इशारा नंबर तीन इसमें मौसूल नंबर चार इसम फ़ैल नंबर पाँच इसम कनाया नंबर छः इसम शर्त और जिनसे मैच करना वो करना है वो है नंबर एक दू का नंबर दो हाजा नंबर तीन कम नंबर चार अल्लाना नंबर पाँच मन नंबर छः नहनू हमारा इस दफ़ा का अरबी ग्रेबर का लेसन है इसम मबनी की अकसाम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है वीडियो देख लीजिएगा सवाल नंबर चार बनी इसराइल के नाखलफ जानशिनों का आखरत के बारे में क्या अकीदा था आयत नंबर है वन सिक्सटी नाइन सवाल नंबर पाँच अला सुबहाना किन का जर्जाया नहीं फरमाते आयत नंबर वन सेवेंटी सवाल नंबर छः बनी इसराइल के सरों पर पहाड़ मुसलत करके क्या अहद लिया गया था आयत नंबर है वन सेवेंटी वन सवाल नंबर सात अल्लाह सुबहाना तआला ने तमाम इंसानों की अरवाह से ला, अलस्त में किस बात का अहद लिया था आयत नंबर है वन सेवेंटी टू सवाल नंबर आठ इस आयत में लस्त के लेने की क्या वजह बताई गई है आयत नंबर है सवाल नंबर अल्लाह अपनी आयत की वजाहत क्यों फरमाते हैं आयत नंबर है सवाल नंबर दस बनी इसराइल के उस शख्स के वाक़े से आपने अपने अमल के लिए क्या सीखा आयत नंबर वन फाइव और वन सेवनटी सिक्स सवाल नंबर ग्यारह लोग अपने ऊपर किस तरह जुल्म करते हैं

आयत नंबर 181 सवाल नंबर 16 अल्लाह की आयत को जुटलाने वाले के साथ अल्लाह क्या मामला करता है आयत नंबर 182 सवाल नंबर 17 नाफरमान कौम को ढील देने की क्या वजूहत होती हैं आयत नंबर 183 सवाल नंबर 18 मोहम्मद सरसलम के आने का क्या मकसद बताया जा रहा है आयत नंबर 184 सवाल नंबर 19 कायन में बिखरी निशानियों निशानियाँ किस बात की निशानदही करती हैं आयत नंबर वन सवाल नंबर बीस अल्लाह के लोगों को गुमराह करता है आयत नंबर वन एटी सिक्स सवाल नंबर इक्कीस और जमीन के बोझल होने की क्या वजह बताई जा रही है आयत नंबर इला वन एटी से सुबह वरहमल व